गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ्स में, मैथ्स की क्लास में हम कर रहे थे सबट्रैक्शन सम्स। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल सबट्रैक्शन सम्स किए हैं, टू रो टू कॉलम वाले, और कौन से किए बेटा, टू रो और थ्री कॉलम वाले। ठीक है, आज हम सबट्रैक्शन को बोरो करके फिर करेंगे। अब बोरो का मतलब क्या है, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। उधार मैथ्स में उधार, ये कैसे, आज हम देखते हैं मैथ्स में उधार कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखो ये क्या था, वंस और टेंथ प्लेस। मैं यहाँ पर एक डिजिट लिख रही हूँ 53 माइनस 27, और मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, हमने ये कहा था कि ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा। ठीक है, 53 और 27 बड़ा है और 27 छोटा है, तो ये तो सही है। हम 53 में से 27 को माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं वंस प्लेस के नंबर्स को देखूंगी, क्या है 3 और 7, क्या होना चाहिए, ऊपर वाला नंबर कैसा होना चाहिए, बड़ा, और नीचे वाला छोटा। क्या ऊपर वाला नंबर बड़ा है, इज 3 बिग और स्मॉल, क्योंकि 3 छोटा नंबर है, हम 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस 3 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक बिग नंबर बनाना पड़ेगा। बिग नंबर के लिए मैं क्या करूंगी, इस 3 में कुछ बोरो करूंगी। ठीक है, क्या बोरो करूंगी मैं, 10। क्या बोरो करूंगी, 10। कहां से बोरो करूंगी, इस 5 से। क्या ये 5 है, इज इट 5, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 5 की, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50। मैं इसमें से कितने बोरो कर रही हूँ, 10, तो मेरे पास क्या बचा, 40। तो 40 का 4 यहाँ पर मैं इसको कट करूंगी, और 40 का 4 मैंने यहाँ लिख दिया। और जब ये वाले जो 10 थे मैंने इस 3 को दे दिए, ठीक है, जब ये वाले 10 मैंने इस 3 को दिए तो कितने बन गए, ये 10 और ये 3 कितने बने, कितने बने बेटा, 13। 10 में 3 ऐड कर दी मैंने, कितने बन गए मेरे, 13। अब आप देखो, अब मैं 10 वाले नंबरों को नहीं देख रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 13 और 7, अब ये 3 तो बचा नहीं क्योंकि मैंने इसे कट कर दिया, क्या बचा है, 13 और 7। ठीक है, अब आप देखो 13 बड़ा है और 7 छोटा, दैट मीन्स मैंने 3 को 13 बना दिया। लेकिन कैसे बनाया, मैंने ये 10 जो थे वो मैंने क्या किए हैं, बोरो। जो ये प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं बोरो करना, यानी उधार लेना। इस 3 ने 10 इस 50 से उधार ले लिए, बोरो कर लिए, तो ये बन गए इसके 13, और इस 50 के पास कितने रह गए, 40। और टेंथ केस पे हम सिर्फ उसका प्लेस वैल्यू रखेंगे, प्लेस वैल्यू रखेंगे, दैट मीन्स 4 रखेंगे, डिजिट रखेंगे सिर्फ उसका। ठीक है, 4, और यहाँ पर मेरा बन गया 13। अब 13 में से 7 माइनस करो, 7 के बाद आफ्टर 7 काउंटिंग स्टार्ट करनी है, आफ्टर 7 8 9 10 11 12 13, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर दिस, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आया मेरा 6, और ये बचा है 4, और यहां पर है 2। 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बनेगा बेटा जी, 2 3 4, 2 के बाद 3 और 4, तो यहां पर आए मेरे 2। पहली बात तो ये समझो, बोरो समझ में आ गया क्या होता है, जब हम 10th प्लेस के नंबर से 10 नंबर्स उधार लेकर 1st प्लेस को देते हैं तो वो बोरो होता है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या हम हर बार 10 ही बोरो करते हैं या 2 3। अब मान लो मेरे पास 5 ट्रॉफीज है, तो क्या मेरा 2 ट्रॉफीज लेके काम चल जाएगा, क्या मैं 2 ट्रॉफीज भी बोरो कर सकता हूँ, नो। हमें 10th प्लेस ने बोला कि आपको एक फिक्स नंबर ही हर बार उधार मिलेगा, और वो फिक्स नंबर है 10। क्या है वो फिक्स नंबर, 10। हम हमेशा ही 10th प्लेस से 10 को बोरो करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये था सिर्फ समझाने के लिए, हम करते कैसे हैं इसको वो मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए, नंबर है मेरे पास
32 माइनस 17. लुक एट दैट, 2 इज अ स्मॉल नंबर एंड 7 इज अ बिग. मुझे बोरो करना है तो 2 में अब मैं ये करके नहीं दिखाऊंगी 10 बोरो लेके, मुझे खुद से देखना है. अगर मैं 10 में 2 ऐड करूं तो मेरे कितने बनते हैं, 12. कितने बनते हैं, 12. और 3 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे कितने बनते हैं, 2. दैट मींस ये 2 कट करके क्या बना मेरा, 12. 10 ऐड करने पर और इस 3 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा बना 2. ठीक है, क्या किया मैंने यहां पर, सब्ट्रैक्ट 1 और यहां पर मैंने किया है ऐड 10. इस नंबर में मैंने किया ऐड 10 और इस नंबर में मैंने किया है सब्ट्रैक्ट 1. हर बार यही प्रोसेस चलेगी. कब चलेगी, जब मेरा अपर नंबर स्मॉल है और लोअर नंबर बिग है. अब 12 में से 7 माइनस करना है, इन नंबर्स को हम नहीं देखते. ठीक है, हम देखते हैं 12 में से 7. आफ्टर 7, 8 9 10 11 12 कितने हुए, 1 2 3 4 5. ठीक है, दिस इज 5 और आफ्टर 1 2, 1 के बाद 1 2, दैट मींस 1. ठीक है, अनदर क्वेश्चन, 81 माइनस 36. 81 माइनस 36. ठीक है, 1 का क्या करेगा बेटा जी, 10 प्लस 1 11 और 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुए तो 7. प्रोसेस समझ में आया क्या है, ऐड 10 और सब्ट्रैक्ट 1. 6 के बाद 7 8 9 10 11, 6 के बाद 7 8 9 10 11 कितने हुए, 1 2 3 4 5. ओके, आफ्टर 3 काउंटिंग स्टार्ट, कहाँ तक जाना है, 7 तक. 3 के बाद 4 5 6 7, 4 5 6 7 कितने हुए, 1 2 3 4 कितने हुए बेटा, 4. क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73 माइनस 28. 73 माइनस 28, 3 का क्या बनेगा, 13 और 7 का बनेगा 6. 8 के आफ्टर, 8 के बाद 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5. 2 के बाद 6 तक, 2 के बाद 3 4 5 6, 1 2 3 4. ठीक है, मैं आपको अलग अलग मेथड से करवा रही हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना. 43 माइनस क्या गुम हो गया, ऐसे कैसे, 43 माइनस 25. चलिए 3 को कट करके बना 13 और 4 को कट करके बना 3. अभी 5, आगे क्या है, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 2 के बाद 3, तो कितनी बनी यहाँ पर, 1. क्लियर है बेटा जी. अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में पेज नंबर 75 सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में फिल करना है और ध्यान से फिल करना है, मिस्टेक नहीं करनी है. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.